आप दी इतनी महानता है कि एक गुण हिरदे च वसदे ही जन्मां जन्मांतरां दे पाप नाश हो जांदे ने। औखद मूल मंत्र मन एक है, इसनों गुरु अर्जन देव जी ने औषधि मनिया, दवाई है, एक औषधि है, एक दवाई है। औखद मूल मंत्र मन एके जेकर दृढ़चित कीजे रे, जन्म जन्म के पाप कर्म का काटन हारा लीजे रे। भटकना बहुत लंबी है, संस्कार पतत बहुत पुराने ने। साहब कहने मूल मंत्र उसका इलाज है, मूल मंत्र उसकी औषधि है। आदि काल तो गुरु घराने दिच पुराने अभ्यासी पहले मूल मंत्र जपते रहने, फिर गुरमंत्र, फिर नितनेम करते ने। हुण कथा कीर्तन ते लोकी सुन लेंदे ने, थोड़ा बहुत नितनेम भी कर लेंदे ने। ना मूल मंत्र दा जाप है ते ना ही गुरमंत्र दा जाप है। हालांकि रहतनामा जिहड़ा गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च दर्ज है, वह भी है कि गुरु सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम धियावे। वो उठदे ही पहले नाम सिमरन करे। नितनेम साहिबां ने इसे ही रहतनामे च इशारा कर दिता है, फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे, बहिंदिआं उठदिआं हर नाम धियावे। बाणी दा पाठ नितनेम बाद च करे, मूल मंत्र गुरमंत्र पहले जपे। ये जाप है नहीं, इस वास्ते साडे विच भाई गुरदास पैदा होने बंद हो गए, भाई मनी सिंह जैसियां महान मूर्तियां पैदा होनियां बंद हो गई। 30-35 साल पिछे भी जड़े कुछ थोड़े जिहा अभ्यासी पुरश होए, जैसे कि बाबा अतर सिंह मस्तुआने वाले, या बाबा करम सिंह होती मरदान वाले, या अकाली कौर सिंह, या बाबा सुंदर सिंह अली बेग वाले, या हरखोवाल दे महात्मा बाबा ज्वाला सिंह जी, ये पिछे कुछ 30-35 साल च होए। हुण ते अखां तरस गईयां, उंज ते संतां दियां डारां ने, पर अभ्यास वाली गल नहीं कोई। और जिंदगी इसे मूल मंत्र ने बदलनी है, नवी जिंदगी नूं इसे मूल मंत्र ने जन्म देना है। पुराने जमाने च ब्राह्मण दा नां सी द्विज, दूजा जन्म, इहदा दूजा जन्म हो गया। किसदा? जो ब्राह्मण है, जिहदा मन ब्रह्म वर्गा बन गया है, ब्राह्मण, जो ब्रह्म वर्गा बन गया है, जिहदा मन ब्रह्म दी तरह है, ईश्वर दी तरह है। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दे च भी ब्राह्मण दी तशरीह मौजूद है, ब्रह्म बिंदे से ब्राह्मणा, जो ब्रह्म दा चिंतन करदा है वह ब्राह्मण है। या कबीर कहिंदे ने, कहो कबीर जो ब्रह्म विचारे सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। असी तो उन्हूं ब्राह्मण कहिंदे आ, जिहदे कोल ब्रह्म दी विचार है, ते तुसी सिख किहनूं आखोगे? हू बहु यही गल है, सिखी सिखिया गुरु विचार। जे ब्रह्म दी विचार है ते ब्राह्मण है, ते जे गुरु दी विचार है ते सिख है, वरना कोई नहीं। जे ब्रह्म दी विचार कोई नहीं ते वह ब्राह्मण नहीं, जे गुरु दी विचार नहीं ते वह सिख नहीं। विचार दे आंदियां की आंदा है? ब्राह्मण नूं आखिया गया द्विज, इहदा दूजा जन्म हो गया, इनू नवी जिंदगी मिल गई। गुरु दे विचार दे आउंदिआं तुसी यही कुछ नहीं रह जाओगे जो कुछ हो, सवाल ही नहीं पैदा होंदा। फिर ते विचार कुछ भी ना होए, जे विचार भी आ गए तो असी यही कुछ बने रहे, नहीं फिर असी ये कुछ नहीं हाँ। फिर साहब कहिंदे ने, विचार दे आउंदिआं जन्म गुरु दे घर दे विच आउंदा है, सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, फिर जन्म गुरु दे घर हो जाता है। हुण ते असी मां बाप दे घर जन्म लिया है, गुरु दे घर उदों जन्म होवेगा जद हिरदे च गुरु दी विचार वसेगी, मूल मंत्र दा जाप वसेगा, गुरमंत्र दा जाप वसेगा,
फिर जिंदगी दा जिस नवी जिंदगी दा जन्म आउंदा है वह कथन कहन तो परे है। मां बाप दे घर जन्म लेके बंदा जन्म ते मरण तो बच नहीं सकदा, चलदा ही रहेगा। कोई मां जन्म देके ये दावा नहीं कर सकती कि इसका हुण होर जन्म नहीं होवेगा, ये चलदा रहेगा। ये जम जम मरे मरे फिर जमे, बहुत सजाए पया देश लम्मे। निहंग सिंह जो कहने के गुरु गोबिंद सिंह साडे पिता ने, असी जो कहने गुरु नानक देव जी साडे पिता ने, कलगीधर साडे पिता ने, दरअसल वो साडे शब्दी पिता ने, नादी पिता ने। दो तरह की संतान मनी जाती है, बिंदी संतान नादी संतान। मां बाप दे रकत ते बिंद तो जो पैदा होया उन्हों कहने बिंदी पुत्र। तो जो किसी के विचारां तो जिसने जन्म लिया, शब्द तो जिसका जन्म होया उन्हों कहने नादी संतान। असी गुरु दे नाद तो पैदा होया, असी गुरु दे शब्द तो पैदा होया, फिर सिख। पर सिख ओ जिहड़ा शब्द तो पैदा होया, मैं फिर अर्ज कर दिया, नहीं तो कोई सिख नहीं है। ब्राह्मण ओ जिसका मन ब्रह्म वर्गा बन गया, ते ब्रह्म दा चिंतन करदिया करदिया ब्रह्म दा रूप हो गया। असी जद इस ढंग नाल पंडदे हां ना ब्राह्मण नू, ब्राह्मण ने यह कीता, ब्राह्मण ने यह कीता, ते खिमा करनी तथा कथित सिख, जो सिख नहीं जिदा विचार तो जन्म नहीं होया वह की कर रहा है। शराबी महा ओ होया पे है, थां थां दी गुंडागर्दी दे चिस्ता हथ है, गुरुद्वारियां दे गलत इस्तेमाल दे विच इदियां रुचियां ने, ते फिर ए की है? इदा कोई गुरु दे घर जन्म होया है? कोई जन्म नहीं होया, ऐसा दिखाई नहीं देंदा पिया। वो ब्राह्मण बहुत भेड़ा सी, जिदा ब्रह्म वर्गा मन ते नहीं सी, लेकिन दावा करदा सी मैनू ब्राह्मण आखो, ते गुरु दी कोई विचार नहीं, गुरु दे घर जन्म नहीं, ते दावा करे मैं सिख हाँ। क्षमा करनी, सिख भी भैड़ा ही होवेगा, कोई बहुत चंगा नहीं हो सकता। सतगुर के जन्मे गवन मिटाया, सतगुर दे घर जिसका जन्म होया, शब्द तो जिसका जन्म होया, नाद तो जिसका जन्म होया, विचार तो जिसका जन्म होया, उन्हू कहिंदे ने सिख। तो मूल मंत्र दा जाप, गुरमंत्र दा जाप एक नवी जिंदगी देंदा है, ते ए नवी जिंदगी ना होने का जो कारण दिखाई देता है जाप कोई नहीं सिख जगत दे च, टावा टावा रह गया, ते टावी टावी जिंदगी रह गई है। 1000 बूटा कोई माली लावे बगीचे दे च, ते 999 बूटे सुक जान, ते सिर्फ एक नू ही फुल फल लगन, ये माली की सियाणप नहीं मननी पैगी। वो जोड़ा एक फुल फल गया शायद वह भी माली की नजर तो बच के ही फुले आना है, लगता इंज ही है। 999 ते कुमला गए। कौम दे रहनुमा, कौम दे प्रचारक, धर्म मंदरां दे मुखी, करीबन करीबन उस बगीचे दे इस वक्त माली ने जेडे बूटे गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह जी ने लाए ने, बड़ी मेहनत नाल लाए ने, खून सिंच के लाए सन, और जिहड़ी मेहनत है इतिहास पढ़न वाले दे भी रोंगटे खड़े हो जांदे। ते ए बगीचा जिन्ना मालियां दे हवाले कीता, बे हुण तुसी देख रेख करनी, ते मैं अंदाजा लाना हुंना 1000 बूटियां दे चो 999 कुमला गए ने, ये कोई माली दी सियाणप नहीं है। ये ते शायद जिहड़ा एक अद्ध जिहड़ा प्रफुल्लत है वह भी माली की नजर तो बच गया शायद, यह भी शायद अजोके संत प्रचारक ते प्रबंधकां दी दृष्टि तो शायद बचे है, ता ही कुछ हरा भरा है। साहब कहिंदे ने दावा अगन बहुत तृण जाले, कोई हरे हो बूट रहोरी। जिस क्रोध तृष्णा ते वैर विरोध की अग ने सारे बूटे साड़ के सुआह कर दिते ने, कोई एक अद हरा भरा, एक अद तो हजारां दे इकट्ठ दे च कोई एक अद बूटा हरा भरा होवे, उन्हों फुल फल भी लगे होवन, ये कोई गिनती नहीं है, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है।
जिसनों कोई महानता दिती जाए ते जिसका कोई जिक्र किया जाए, जिक्र तो उन्हों का करना पेगा जो 999 बूटे कुमला गए ने, मुरझा गए ने, सुक गए ने, सड़ गए ने, न पत्ते न फुल न फल जड़ां तक सुक गई। खैर मूल मंत्र दी गुरुदेव दी प्रेरणा अनुसार मैं थोड़े सामने विचार रखे ते इस विचार का मुख मुद्दा इन्ना ही समझना कि अमृत वेले इसका जाप करना है जिन्ना हो सके, घट तो घट 15-20 मिनट। मूल मंत्र का जाप हिरदे की बनतर इस ढंग की बना देता है कि मन फिर गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी हो जाता है। बगौर तुसी मुताला करके देखना, सीधा गुरु मंत्र जपोगे मन जपदा ही नहीं, मन राजी नहीं आता, मन लीन ही नहीं आता। तो जिसने मूल मंत्र जपे है तो जिसने अपने मन नूं गुरु मंत्र जपण वास्ते राजी कर लिया है, वह जब बाणी पढ़ेगा एक एक शब्द ने उन्हू रस देना है, एक एक पंक्ति दे च उसने आनंद माणना है। वह फिर पानी नहीं रिड़केगा, उन्हें फिर दही रिड़कनी है, उन्हें शब्दों के चो आनंद माणना है। आम लोग तो पानी पै रिड़कते होंगे, शब्द एक पासे सुर तो एक पासे, पर मूल मंत्र ते गुरु मंत्र दे जाप दे नाल जो हिरदे की बनतर बनती है वह फिर बाणी के पाठ का स्वाद ही कुछ होर है, वह फिर रस ही कुछ होर है, वह आनंद ही कुछ।